दोस्तों कल इंग्लैंड की टीम को रौंदकर भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में जा चुकी है और इस शानदार जीत के हीरो रहे अक्षर पटेल, जिन्हें जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया तो अक्षर ने अपने कप्तान रोहित को ही अपना अवार्ड दे दिया और रोहित के लिए दिल जीतने वाला बयान दिया। तो अक्षर पटेल ने क्या कुछ कहा उसका वीडियो हम आपको जरूर बताएंगे, उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी मानते हो कि भारतीय टीम इस बार ट्रॉफी जीत ही लेगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों बदला ऑस्ट्रेलिया को हराकर नहीं, बदला पूरा हुआ इंग्लैंड को हराकर। एडिलेड में करीब 2 साल पहले जिस इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में टीम इंडिया को एक तरफा अंदाज में हराकर बाहर किया था, उसी इंग्लैंड को रोहित शर्मा की टीम इंडिया ने उतने ही बुरे अंदाज में हराकर हिसाब बराबर कर लिया। गयाना में T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में भी टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही और विराट कोहली फिर सस्ते में निपट गए, जबकि ऋषभ पंत भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उसी मैच की तरह एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा ने मोर्चा संभाला, जहां उन्हें सूर्य कुमार यादव का बेहतरीन साथ मिला। रोहित ने दमदार बैटिंग करते हुए सिर्फ 36 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और सूर्या के साथ 73 रनों की बेहतरीन साझेदारी की, जो मैच में सबसे बड़ा अंतर साबित हुई। इन दोनों के आउट होने के बाद हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने आखिरी ओवरों में छोटी लेकिन तेज पारियां खेलकर टीम को 171 रनों के जबरदस्त स्कोर तक पहुंचाया। इस धीमी होती पिच पर पहले ही इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर के टॉस जीतकर पहले बॉलिंग के फैसले ने टीम इंडिया को खुश कर दिया था। उस पर इतने बड़े स्कोर ने टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ा दिया। ये तय हो गया था कि टीम इंडिया के स्पिन अटैक के सामने इंग्लैंड को ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। यही सच साबित भी हुआ। इंग्लैंड के लिए कप्तान जॉस बटलर ने तेज शुरुआत की, लेकिन चौथे ओवर में अक्षर पटेल की पहली ही गेंद पर चलते बने, बस यहीं से इंग्लैंड का पतन शुरू हो गया। अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन स्लोअर बॉल पर फील सॉल्ट को बोल्ड कर दिया, जबकि अगले ओवर की पहली गेंद पर फिर अक्षर ने जॉनी बेयरस्टो को भी बोल्ड कर दिया। पावर प्ले में ही इंग्लैंड की हालत बुरी हो गई थी। इसके बाद इंग्लैंड का मैच में वापसी करना मुश्किल हो गया था। एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। कुलदीप और अक्षर के फिरकी के सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा था, उनके पास कोई जवाब ही नहीं थे। पूरी टीम सिर्फ 17 ओवरों के अंदर ही ऑन एंड आउट हो गई। जहां कुलदीप और अक्षर ने 3-3 विकेट लिए तो वही बुमराह ने 2, जिसके चलते भारत ये मैच 68 रनों से जीत गई और एक और ICC विश्व कप के फाइनल्स में पहुंच गई। अब भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ होगा। वही दोस्तों, इस जीत के बाद अक्षर पटेल ने अपने कप्तान रोहित शर्मा के लिए दिल जीतने वाला जेस्चर किया। अक्षर पटेल को जब उनके 3 विकेटों के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया तो अक्षर पटेल ने बात करते हुए कहा कि मेरी राय में इस अवार्ड के हकदार रोहित भाई है, क्योंकि अगर आप देखो तो पिच काफी ज्यादा मुश्किल थी। उस पिच पर अनइवन बाउंस भी थी और गेंद स्पिन भी कर रही थी, तो ऐसे में इस पिच पर गेंदबाजी से ज्यादा बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है। और उस मुश्किल पिच पर शुरुआत में जो रोहित भाई ने तूफानी पारी खेली थी, उस वजह से ही हम इतने बड़े स्कोर तक पहुंच पाए। अगर रोहित भाई के बल्ले से 57 रनों की पारी नहीं आती तो हम इतने बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाते। रोहित भाई ने ही शुरुआत में मोमेंटम दिया था और मैच को भारत के पक्ष में शुरुआत से ही रखा था। इस पिच पर गेंदबाजी करना तो आसान था, ऊपर से टारगेट भी इतना बड़ा था, तो ऐसे में गेंदबाज बिना कोई प्रेशर के गेंदबाजी कर पा रहे थे और ऊपर से दूसरे इनिंग्स में गेंद और ज्यादा टर्न कर रही थी, इसलिए मुझे विकेट्स आसानी से मिल गए। इसीलिए मेरी राय में मुझसे ज्यादा इस अवार्ड के हकदार सही मायने में रोहित भाई ही है। मैं उनसे इस जीत का क्रेडिट छीनना नहीं चाहता, इसीलिए मैं अपना ये अवार्ड उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। असल मायनों में वही मैन ऑफ द मैच है। अक्षर पटेल के इस जेस्चर ने दिखा दिया कि भारतीय टीम एकजुट होकर एक टीम की तरह खेलती है और सभी एक दूसरे की सराहना करते हैं, और यह भी एक कारण है कि हम फाइनल्स में पहुंच गए हैं। दोस्तों इसकी पूरी वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वही दोस्तों, आपकी राय में असली मैन ऑफ द मैच कौन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भारत के खिलाफ इंग्लैंड की शर्मनाक हार का ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने जमकर मजाक उड़ाया है, वहीं रोहित शर्मा की जमकर तारीफ भी की है। सबसे पहले डेविड वार्नर ने कहा,
मैं रोहित शर्मा की बल्लेबाजी और उनकी कप्तानी दोनों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मुझे रोहित बहुत पसंद है, एक खिलाड़ी के तौर पर भी और एक इंसान के तौर पर भी। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने जो किया है, सच में वैसा करना बड़ा ही मुश्किल है। लाजवाब कप्तानी, लाजवाब बल्लेबाजी और इंग्लैंड जैसी घमंडी टीम को उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वेल डन रोहित, वेल डन टीम इंडिया। डेफिनेटली इंडिया ही T20 वर्ल्ड कप जीतेगी। डेविड वार्नर के बाद मैथ्यू हेडन भी रोहित शर्मा के दीवाने हो गए। उन्होंने कहा, ये अद्भुत था, रोहित जिस फॉर्म में है, जिस कदर वो टीम को लीड कर रहे हैं, ये सब एक आश्चर्यजनक कार्य है। रोहित अपनी टीम को जिस तरीके से लीड कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर कप्तान इस वक्त दुनिया में और कोई भी है। इंग्लैंड का T20 वर्ल्ड कप से बाहर होना एक सुखद एहसास रहा है। उनका घमंड अब चकनाचूर हो गया है, क्योंकि हमारी टीम की हार के बाद इंग्लैंड में जमकर मजाक बना था, और जिस तरीके से टीम इंडिया ने उन्हें हराया है, वो तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है। हमारी टीम ने लड़कर तो हारा। दोस्तों, मैथ्यू हेडन के बाद ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैंने तो पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि टीम इंडिया ही T20 वर्ल्ड कप जीतेगी, क्योंकि अब किसी भी टीम में दम नहीं है कि वो भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने से रोक ले। टीम इंडिया के पास रोहित शर्मा जैसा कप्तान है, बल्लेबाज है, बुमराह जैसा गेंदबाज है, हार्दिक पांडे जैसा ऑलराउंडर है, और सबसे बड़ी बात, भारतीय टीम के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। जिस शर्मनाक तरीके से भारत ने इंग्लैंड को बाहर का रास्ता दिखाया है, मुझे लगता है अफ्रीका से भी वो मुकाबला जीतकर फाइनल जीतेंगे। दोस्तों, माइकल क्लार्क के बाद पैट कमिंस ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मैंने जब भी रोहित शर्मा के खिलाफ खेला है, वो एक कड़ी चुनौती ही रही है। उनकी गेम अवेयरनेस शानदार है। उन्होंने पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि वेस्टइंडीज में टर्न होने वाला है, इसीलिए उन्होंने स्क्वाड में 4 स्पिनर लिए। रोहित एक लीजेंड है, इसमें कोई शक नहीं, और ऐसे लीजेंड को दिल से सलाम है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी और दिग्गजों ने रोहित शर्मा और टीम इंडिया पर ऐसा बयान देकर सभी का दिल जीत लिया है। इसकी पूरी वीडियो की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वही इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। वही दोस्तों, इस हार के बाद और सेमीफाइनल से बाहर जाने के बाद जोस बटलर को ये हार हजम नहीं हुई, जिसके बाद बटलर ने इंटरव्यू में बड़ी और चौंका देने वाली बात कही। पोस्ट मैच इंटरव्यू में जब बटलर से हार का कारण पूछा गया, तो बटलर ने बात करते हुए कहा कि आज हमने बेहद ही घटिया किस्म की क्रिकेट खेली। हम एक ऐसी टीम है कि इस भारतीय टीम को बड़े ही आसानी से हरा सकते थे, जैसे हमने इनको 2022 में 10 विकेटों से सेमीफाइनल में हराया था। हमारी बल्लेबाजी इतनी तगड़ी थी कि ये 100 बेहतर का लक्ष्य हमें बड़े आसानी से चेस कर लेना चाहिए था, लेकिन इस बार की भारतीय टीम पिछले जैसे नहीं है। इनकी गेंदबाजी इस बार काफी मजबूत थी, हमने इनकी गेंदबाजों को हल्के में ले लिया। शुरुआत में जब हमने विराट का विकेट जल्द ही ले लिया था, तो हमें लगा कि भारतीय टीम यहां से वापसी नहीं कर पाएगी, लेकिन रोहित शर्मा मैच को हमसे दूर लेकर गए। उनका फॉर्म ही अलग चल रहा है, वो देखते ही नहीं कि सामने गेंदबाज कौन है, हर गेंदबाज को अटैक करने जाते हैं, जिस कारण हम बैकफुट पर आ गए थे। लेकिन फिर भी हमें हमारे बल्लेबाजों पर भरोसा था, लेकिन इस भारतीय टीम की फिरकी के सामने हमने अपने घुटने ही ठेक दिए। इनके फिरकी का हमारे पास कोई जवाब ही नहीं था। अगर हम ये मैच हारे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम के गेंदबाजों के कारण हारे हैं। भारतीय टीम ने हमसे 2022 में मिले सेमीफाइनल का बदला ले लिया, ये हार हम जल्द भूल नहीं पाएंगे। एक और ट्रॉफी जीतने का हमारे पास अच्छा मौका था। दोस्तों, बटलर को ये हार ने गहरा सदमा दे दिया है। बाकी आपकी राय में, क्या भारत साउथ अफ्रीका को फाइनल में हारा देगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।